हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एस हिंदी में स्वागत है। और आज हम देखेंगे 16 जनवरी करंट अफेयर, जो हमारे ये बैकलॉग्स रह गए हैं, मतलब 15, 16, 17, 18, आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स थी, नेटवर्किंग और एक्स्ट्रा थिंग्स थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। तो देखिए, इसमें पहली न्यूज़ है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। अब ये क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मार्केटिंग समिट, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। इस बार क्यों खास है? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। अब ये अवार्ड्स उन देशों के प्रीमियर लोगों को दिया जाता है जिन्होंने तीन सेक्शन में ज़्यादा वर्क किया हो। किन तीन सेक्शन में? पीपल के लिए, प्रॉफिट के लिए और प्लानट के लिए, ठीक है। तो इन तीन बॉटम लाइन्स पर ज़्यादा फोकस किया, उनके लिए ज़्यादा दिया जाता है। अब ये फिलिप कोटलर हैं कौन, आपके लिए दिमाग में भी आएगा। तो ये एक फेमस अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर है, फेमस अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर हैं, ठीक है। साथ ही ये कंसल्टेंट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कब से, मतलब इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 1965 से इसका, सॉरी 2011 से ही हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट, ठीक। अब मोदी जी को ही क्यों मिला इस बार? इनका मानना था कि फिलिप जी का, कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज को इम्प्रूव किया है, करने का प्रयास किया है, जिससे अच्छी मार्केटिंग इंडिया की हो गई है, ठीक है, इसलिए इनको इस बार अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है मकाराविलाकू फेस्टिवल, बड़ा नाम टफ है, फिर से सुन लीजिए, मकाराविलाकू फेस्टिवल, ठीक। ये क्या है फेस्टिवल? ये एक एनुअल फेस्टिवल है, मतलब साल में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के मौके में। कहाँ मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रख लीजिए इसको, केरल में, ठीक है। इसकी एक रीति है, इसमें रीति का भी नाम बहुत ही टफ है, देख लीजिए, थिरुवभरनम, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, थिरुवभरनम। ये क्या है कि भगवान अयप्पा होते हैं, ठीक है, उनको एक आभूषण चढ़ाया जाता है, उसी की रीति को ये कहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, थिरुवनंतपुरम, केरल और इसका नाम, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे अभी सबरीमाला इशू बहुत चल रहा था, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सबरीमाला श्राइन से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक कोलम बाईपास है, बहुत ही चर्चा में है आजकल। कोलम बाईपास क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये NH-66 से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब आपके बारे में होगा कि NH-66 कहाँ से कहाँ तक है, तो NH-66 पनवेल से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में है, ठीक। अब प्रधानमंत्री ने केरल, याद रखिएगा, केरल की यात्रा पर थे और वहाँ पर इन्होंने NH-66 पर 13 किलोमीटर की 2 लेन कोलम बाईपास को शुरू किया, देश को समर्पित किया। तो कहाँ पे है? केरल में है। आपके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल, कोलम बाईपास और 13 किलोमीटर का सेकंड, और ये NH-66, ठीक है। NH-66 कहाँ से है? पनवेल से कन्याकुमारी, पीके। अब कौन कौन से स्टेट आते हैं NH-66 में? तो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, केरल आता है और तमिलनाडु आता है, 5 स्टेट आता है, याद रखिए, रख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आना ही आना है। नेक्स्ट है, एक तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई है, ठीक। ये कहाँ पे है पहले तो ये जान लीजिए, त्रिपुरा में। अब ये न्यूज़ में क्यों आई है? न्यूज़ में ये आई है क्योंकि ओएनजीसी अपना तृष्णा गैस प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, ठीक। इसे अप्रूवल मिल गया है, मतलब ONGC अपना तृष्णा गैस प्रोजेक्ट त्रिपुरा के तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस्टेब्लिश कर सकती है। अब ये कहाँ पे होती है? मान लीजिए त्रिपुरा है, ठीक है, तो इसका जो साउथ रीजन है यहाँ पे है तृष्णा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसको त्रिपुरा मान रहे हैं तो इसके साउथ रीजन में है तृष्णा, ठीक। अब इसमें और भी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे काफ़ी सदाबहार वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रास बॉडीज़ पाई जाती हैं, जो यहाँ आकर्षण का केंद्र है और मैक्सिमम लोग इसको देखने आते हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं जो मोस्ट फेमस हैं? जैसे इंडियन गौर, ठीक है, इसे बिशन भी कहते हैं, ये यहाँ मोस्ट आकर्षक का केंद्र, मैक्सिमम लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक। अगर हम IUCN की रेड लिस्ट के बारे में जाने, पहले आप ये जान लीजिए रेड लिस्ट क्या होती है। रेड लिस्ट ये होती है कि जो है अगर कोई जानवर इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब कि वल्नरेबल है, तीन कैटेगरी होती हैं। तो ये जैसे 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 जानवर की उपलब्धता होती है, मतलब अगर कोई रीजन है वहाँ पे वो बहुत ही संकटापन है, मतलब ख़त्म होने के खतरे में है, या फिर अब उनमें सुधार हो रहा है, तो उसके बारे में एक IUCN संस्था है जो कि जो है रेड लिस्ट नाम की एक बुक जारी करती है, ठीक। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें कि जो है इंडियन बिशन कौन सी कैटेगरी का है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी का है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप रख लीजिए इसको, अगर आप IAS दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा में और क्या क्या है? त्रिपुरा में और कौन कौन से हैं? तो सेंचुरी कौन कौन सी है, वाइल्ड नेशनल पार्क कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो इसमें एक गुमटी है, ठीक है, गुमटी है, फिर है सेफा जिला,
सिपाही जला एक है, ठीक है, सिपाही जला है, और दूसरा है रोवा, GSR करके आप याद रखिए, तीन है, गुमटी है, सिपाही जला है और रोवा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेशनल पार्क की देख रहे हैं तो नेशनल पार्क दो ठो हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। ये गुमटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिपाही जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लाउडेड लेपर्ड और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इन सबको, कभी कभी UPSC मैच मैच कराने के दे दीजिएगा, आप फंस जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है, तो 15 जनवरी को। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, केरल में, ठीक है। सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, केरल में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है, एक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर आपका दिमाग आ गया होगा कि ये क्या है। देखिए, आप किनले या बिस्लरी की बोतल लेते हैं, ठीक है, आप उस बोतल को लिए, पानी पिए, फेंक दिए, ठीक है, स्ट्रॉ लिए, कोल्ड ड्रिंक का स्ट्रॉ लिए, अगर आप मुंह से नहीं पी रहे हैं तो स्ट्रॉ लिए, स्ट्रॉ लिए, स्ट्रॉ को यूज़ किया, फेंक दिए, ठीक है। और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सिंगल यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब यूज़ किए और तुरंत फेंके उसको, ठीक है, तो उस पर टोटल बैन लगा दिया गया है, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है सिंगल यूज़ पर टोटल बैन है, स्ट्रॉज ऑफ वाटर बॉटल, आप इसे समझ सकते हैं, याद रखिएगा, नाम बहुत ज़रूरी है, पुडुचेरी ने किया है। नेक्स्ट देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने पौधों की आक्रामक प्रजातियों को बाहर निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, ठीक है। जो मतलब आप जैसे कि दूसरी आपकी कम्युनिटी है, अच्छे खासा रह रही है, यहाँ से जो दूसरे पौधे आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कैसे भी करके कर दिया, तो यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती हैं इनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो इनके इनको सॉल्यूशन के लिए कि ये जो आक्रामक है इनके इनका क्या सॉल्यूशन है, इनके लिए एक समिति का गठन किया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, चेन्नई शहर की पुलिस ने सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल कर लिया है। आप ये याद रखिए कि ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ की है, चेन्नई की, तो उनके साथ आप ये रोबोट भी सेवा देंगे, रोबोट भी सेवा देंगे, मतलब रोबोट भी पुलिस की तरह सारे काम करेंगे, कहाँ करेंगे, चेन्नई में। अब इस रोबोट का नाम क्या है, तो जैसा रोड से जुड़ा है तो रोडियो, इसका नाम क्या है, रोडियो, याद रखिएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए, कहाँ पे आया है रोडियो, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी एक मैसाडोनिया है, मैसाडोनिया है, आपको पता होगा मैसाडोनिया, नहीं पता है तो अभी हम मैपिंग सेक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, पूरे एक मैपिंग में हर एक चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, पहाड़ी, पर्वत, नदी, झाड़ियाँ, झरना, सब कुछ, तो उसके लिए परेशान ना हो। अभी हम समझ लेते हैं मैसेडोनिया, मैसेडोनिया ने अपना क्या नाम बदल दिया है, अपना नाम, उसका नाम क्या रख दिया गया है, उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्या हो गया है नया नाम, जैसे अभी आपको पता होगा 2018 के UPSC में क्या पूछा गया था, कैटोवेनिया, कैटोनिया का पूछा गया था, ठीक है, जो कि स्पेन का था, तो उसका भी विवाद चला था, तो उसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या बदला गया है, तो यह है उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 350 रुपये का सिक्का जारी किया गया, तो किसके उपलक्ष्य में किया गया है, गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि इनकी 350वीं जयंती थी। अब आपको याद होगा कि ये सिखों के गुरु थे, तो पहले कौन से थे, पहले थे गुरु नानक देव, और ये गुरु गोविंद सिंह कौन के नंबर के थे, 10वें नंबर के, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है, रट लेनी चाहिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ये हमारा आज 16 दिसंबर का था, 17 और 18 का जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।